हाउ टू ट्रांसफर आईसीआईसी पे लेटर मनी टू बैंक अकाउंट। नमस्कार दोस्तों, मैं मयंक भारद्वाज आप सबका फिर से स्वागत करता हूं अपने आज की वीडियो में। मेरा आज का वीडियो आईसीआईसी पे लेटर अकाउंट को लेकर जुड़ा है, जिसके माध्यम से मैं आपको बताने वाला हूं कि आप आईसीआईसी बैंक के पे लेटर अकाउंट की मनी को अपने बैंक में किस तरह ट्रांसफर कर सकते हो। तो चलिए पूरी जानकारी के लिए शुरू करते हैं अपना वीडियो। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बोलना चाहूंगा, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप मेरा चैनल जरूर सब्सक्राइब करिए, क्योंकि मैं अपने चैनल पर आप सभी लोगों के लिए ऐसे ही यूजफुल वीडियो लाता रहता हूं जो आप सभी लोगों के लिए काफी काम के साबित होते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। आप में से काफी लोग ऐसे होंगे जिनका जिनका आईसीआईसी बैंक के अंदर पे लेटर अकाउंट एक्टिवेट हो रखा होगा। पे लेटर अकाउंट किस तरह एक्टिवेट किया जाता है, इससे जुड़ा वीडियो मैं अपने शेयर पे दे चुका हूँ। आप चाहे तो मेरा चैनल खोल के आप आईसीआईसी बैंक का पे लेटर वाला वीडियो देख सकते हो। तो काफी लोगों का पे लेटर अकाउंट एक्टिवेट हो रखा है और उनको एक लिमिट में रखी, जिसके माध्यम से वो उसका यूज शॉपिंग करने या रिचार्ज करने के लिए या फिर बिल पे करने के लिए कर सकते हैं। अब कुछ लोग अपने पे लेटर अकाउंट का पैसा अपने बैंक में ट्रांसफर करना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसी की जानकारी आपको मैं अपनी मोबाइल स्क्रीन पे दूंगा। तो चलिए सीधा हम अपनी मोबाइल स्क्रीन पे चलते हैं और देखते हैं कि आप किस तरह अपने आईसीआईसी पे लेटर अकाउंट का पैसा अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हैं। तो चलिए सीधा हम अपनी मोबाइल स्क्रीन पे चलते हैं। ये मैं अपनी मोबाइल स्क्रीन पे आ चुका हूँ। अब मैं यहाँ से आपको अपना जो आईसीआईसी बैंक का आई मोबाइल एप्लीकेशन है इसको ओपन करके दिखा देता हूँ। ये एप्लीकेशन मैंने देखिए यहाँ से ओपन कर लिया। अब मैं आपको अपना जो पे लेटर वाला अकाउंट है वो दिखा देता हूँ। जब आप यहाँ ओपन क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ लिखा है माई पे लेटर अकाउंट। तो हम इसका पैसा बैंक में भेजेंगे और देखेंगे किस तरह आप इसका पैसा बैंक अकाउंट के अंदर भेज सकते हैं। तो मैं आपको बताना चाहूंगा, अगर आप पे लेटर अकाउंट का जो पैसा है वो अपने बैंक अकाउंट में भेजना चाहते हैं तो इसके लिए आपको एक बिजनेस अकाउंट क्रिएट करना होगा। बिजनेस अकाउंट आप किसी भी एप्लीकेशन का क्रिएट कर सकते हैं, चाहे तो आप गूगल का क्रिएट कर सकते हैं, चाहे तो आप पेटीएम का क्रिएट कर सकते हैं और चाहे तो आप फोन पे का क्रिएट कर सकते हैं। काफी सारे बिजनेस अकाउंट आपको मिल जाते हैं। जब आपका बिजनेस अकाउंट ओपन हो जाए तो उसमें एक आपको बारकोड मिलता है, बस उसी बारकोड के माध्यम से हम अपने पैसे को बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। तो मैं आपको दिखा देता हूँ, मेरे पास में मेरे गूगल का एक बिजनेस अकाउंट है, मैं आपको उसे ही ओपन करके दिखा देता हूँ, उसी के माध्यम से मैं आपको मनी ट्रांसफर करके दिखाऊंगा। तो मैंने अपना जो बिजनेस अकाउंट है उसका बारकोड दूसरे मोबाइल में ओपन कर लिया। अब देखिए यहाँ आपको एक ऑप्शन दिखाई देता है स्कैन एंड पे का, तो आप इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करें और उस बारकोड को देखिए आपको केवल इसके सामने लाना है। इसके सामने लाते ही आपके सामने देखिए कुछ इस तरह का मैसेज आ जाता है और यहीं पर आपको पे लेटर का अकाउंट भी शो कर रहा है, साथ ही आपका जो यूपीआई आईडी है वो भी शो कर रहा है। आपको जितनी भी अमाउंट उसे भेजनी है आप भेज सकते हैं। यहाँ से देखिए मैं 1000 रुपये आपको भेज के दिखा देता हूँ। यहाँ मैंने 1000 लिखा है। आप चाहें तो डायरेक्ट अपने अकाउंट से कटवा सकते हैं और आप चाहें तो पे लेटर के माध्यम से भी अपना पैसा पे कर सकते हैं। तो यहाँ से मैंने बिजनेस अकाउंट का जो बारकोड है उसे स्कैन किया, यहाँ मैंने अपनी अमाउंट डाल दिए और पे लेटर वाले अकाउंट को सिलेक्ट कर दिया। मैं सीधा कंटिन्यू वाले ऑप्शन पे क्लिक कर रहा हूँ। कंटिन्यू वाले ऑप्शन पे क्लिक कर दिए, देखिए मेरे सामने मैसेज आया कि मैं किसको पेमेंट कर रहा हूँ, साथ ही मोबाइल नंबर भी लिखा है, सारी इन्फॉर्मेशन लिखी है। अब मैं सीधा सबमिट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर रहा हूँ। यहाँ मुझे अपना 4 डिजिट का जो पिन है वो डालना होगा, तो वो मैं यहाँ डाल देता हूँ। पिन डालते ही देखिए जो मेरी अमाउंट है सक्सेसफुली सेंड हो चुकी है मेरे बिजनेस अकाउंट में, जो कि मैंने गूगल पे के माध्यम से बना रखा था और उसी का जो बारकोड है मैंने अपने इस एप्लीकेशन के माध्यम से स्कैन किया। तो आपको नॉर्मली अपना एक बिजनेस अकाउंट क्रिएट करना ही होगा। बिजनेस अकाउंट किस तरह क्रिएट किया जाता है इससे जुड़े वीडियो में अपने चैनल पे दे चुका हूँ। आप चाहें तो मेरी वीडियो को देख सकते हैं, वरना आप नॉर्मली गूगल बिजनेस की एप्लीकेशन डाउनलोड करके या पेटीएम की एप्लीकेशन डाउनलोड करके या फोन पे की एप्लीकेशन डाउनलोड करके भी अपना बिजनेस अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। जब आपका बिजनेस अकाउंट क्रिएट हो जाता है तो आपको एक बारकोड मिल जाता है, उसी बारकोड को आपको केवल स्कैन एंड पे वाले ऑप्शन पे क्लिक करके स्कैन करना होता है। तो जैसे ही आप स्कैन करेंगे तो आपके सामने पे लेटर का ऑप्शन आ जाता है और उसी के माध्यम से आप अमाउंट बहुत ही आराम से ट्रांसफर कर सकते हो। तो मुझे उम्मीद है मेरे आज के इस वीडियो के माध्यम से आप सभी को पता चल गया होगा आप किस तरह आईसीआईसी पे लेटर अकाउंट के पैसे को अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हो। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।